Hello student, today we are going to see a new topic. The topic name is missing view. Already we seen isometric view, isometric projection, orthographic view, orthographic projection, ye sab hum log dekh liya hai. If you did not seen this topic, you can go through description, there you have a link. You can use that link and you can watch the old videos. Today topic is मिसिंग व्यू. ये मिसिंग व्यू मतलब क्या है? वो ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये दोनों का कुछ रिलेशन है. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, जो 2D व्यू दिया रहेगा उसको हम लोग 3D में बनाएंगे. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, 3D व्यू दिया हुआ रहेगा उस 3D व्यू से 2D व्यू कर देंगे. कैसे होगा, उसका फ्रंट व्यू अलग से कर देंगे, उसका टॉप व्यू अलग से कर देंगे, उसका साइड व्यू अलग से कर देंगे. ये हो गया हम लोग का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मिसिंग व्यू. मिसिंग व्यू में क्या रहेगा, आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ऐसे तीन व्यू रहता बनाता है, उसमें क्वेश्चन में हम लोग को क्या रहेगा, केवल दो ही व्यू रहेगा. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपका फ्रंट व्यू दे विल गिव एंड टॉप व्यू दे विल गिव एंड सेम एज वेल एज साइड व्यू ऑल्सो दे विल गिव. यू हैव टू ड्रा द 3D व्यू. मिसिंग व्यू में क्या करना है, दे विल गिव ओनली एनी टू व्यू, मे बी फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. You have to find out the side view, or else they will give you front view and side view. You have to find out the top view. For example, आप लोग स्कूल पढ़ने के समय में ऐसे ही सेकेंड स्टैंडर्ड, ऐसे ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसे ही पढ़ाई होता है, 6+ ऐसे के मार्क्स करके इक्वल टू 10. इसको आप लोग क्या करना है, फाइंड करना है. कैसे होगा, जो मिस हो गया उसको फाइंड करना. इसमें क्या कितना आएगा, 4 आएगा. 10+2 = ऐसे ही देता है. इसमें कितना आएगा, 12 आएगा. जो मिस किया हुआ है उसको हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं. उसी तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो व्यू मिस हो गया है उसको हम लोग क्या करना है, बनाना है. अभी हम एग्जाम्पल के लिए मतलब आपको एक चीज़ पता रहा है, जो मतलब हम लोग का मिसिंग व्यू बनाने के समय में, अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रंट व्यू दिया है, ये हो गया 100, इसका टॉप व्यू हो गया 50 और 30, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपको टॉप व्यू. मिसिंग व्यू बनाने के लिए आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जरूर मालूम होना चाहिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जरूर मालूम होना चाहिए. अभी इसका हम साइड व्यू बनाना है, इसलिए मिसिंग व्यू में कभी भी आपको मेन चीज़ है, आपको इमेजिनेशन पावर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. अब इमेजिन करना है, क्योंकि ना आपको ऑर्थोग्राफिक में क्या होगा, 3D व्यू रहेगा, उसमें से निकलना है, वो थोड़ा आसान है. ये मतलब मिसिंग में क्या होता है, एक व्यू हम लोग को नहीं रहेगा, उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग इमेजिन करना है. दो ऑप्शन है आपके पास, एक चीज़ ये दोनों को रख के, मान लीजिए आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू रख के आप इमेजिन कर सकता है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे होगा, उसका मतलब इसका 3D व्यू कैसे होगा, ऐसे कि आप इमेजिन करना है. इमेजिन करके मान लीजिए आपको मालूम चल गया ये एक व्यू है, उसके बाद आपको आराम होगा उसका 3D व्यू निकलने के लिए. अभी मान लीजिए ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको आइसोमेट्रिक हम बनाने के लिए क्या कर देंगे, पहले 30 डिग्री का एंगल लेंगे, फिर मान लीजिए इसमें हमका हमारा अपना फ्रंट व्यू बनाना है. फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट इसका हाइट, ये लेंथ कितना है मान लीजिए 30 है, इसमें इधर 30 लेना है, ठीक. फिर हाइट कितना है, 50 है, 50 ले लेंगे, फिर 30. फिर इसका टॉप व्यू कैसे होगा, 30 और 50, इसमें क्या हुआ, 50 50 30, ठीक. अभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया,
इधर कितना है 30 है, इधर कितना है 100 है, इधर है आपका 50। अभी क्या बच रहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग 3D देख लिया, फिर इधर जो बचा हुआ है यही है, इसको आप नीचे बनाइए। ये हो गया आपका साइड व्यू, ये हो गया फ्रंट। अभी इसमें से आपको साइड व्यू निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या कीजिएगा आप, इधर इधर कितना डायमेंशन है इसका बराबर लीजिएगा, इधर 50 होगा, हाइट कितना है 100 है, इधर लीजिएगा, आपका साइड व्यू आराम से हो जाएगा। और एक चीज़ में भी आप बना सकता है, वही पूरा टाइम में काम देगा, क्योंकि ना इससे वही आसान बता दे, आपको पहले ही हम बोल दिया है आपका फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस दोनों में बराबर है, और आपका फ्रंट व्यू का हाइट और साइड व्यू का हाइट दोनों में बराबर है, आपका टॉप व्यू का हाइट और साइड व्यू का बेस ये दोनों में बराबर है। अभी हमको क्या करना है, साइड व्यू बनाना है। मान लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, इसका साइड व्यू राइट साइड व्यू बनाना है, लेफ्ट साइड व्यू बनाना है, ऐसे दिया होगा, राइट साइड व्यू बनाना है ऐसे करके दिया हो तो आप लेफ्ट साइड में बनाना है, लेफ्ट साइड व्यू बनाना है करके दिया हुआ तो राइट साइड में बनाना है। मान लीजिए ऐसे नहीं दे रहेगा तो आप दोनों में कोई एक तरफ से बना सकता है। मान लीजिए इसको हम मतलब इधर बनाने के समय में राइट साइड में बना रहे, आपको मालूम है इसमें देखिएगा तो आपको अभी क्या बनाने जा रहा है, साइड व्यू बनाने जा रहा है, उसका मतलब ये दोनों हम लोग जरूरी है। आपको मालूम है साइड व्यू का हाइट और फ्रंट व्यू का हाइट दोनों में बराबर है, हमको मालूम है, अभी हमको साइड व्यू का हाइट फ्रंट व्यू का हाइट बराबर, मतलब फ्रंट व्यू का हाइट कितना है 100 है, उसका मतलब यही दोनों में आपको बराबर है। फिर टॉप व्यू का हाइट और साइड व्यू का बेस दोनों में बराबर है, टॉप व्यू का हाइट 50 है, उसका क्या करना है, ऐसे 45 डिग्री का एक एंगल लाइन ले लीजिए, यही पॉइंट को इधर प्रोजेक्ट कर दीजिए, ठीक, अभी यही पॉइंट को ऊपर ले जाइए, समझ रहे हैं, अभी ये जो बॉक्स को डार्क कर दीजिए, यही वो होगा आपका साइड व्यू है, इसका हाइट कितना है 100 है, इसका बेस कितना है 50 है। अभी इसको मैच करके देखिए, फ्रंट व्यू का बेस कितना, टॉप व्यू का बेस बराबर है, उसका मतलब 30 30, फ्रंट व्यू का हाइट साइड व्यू का हाइट बराबर है, उसका मतलब 100 100, टॉप व्यू का हाइट और साइड व्यू का बेस बराबर है 50 50। इसका 3D में देखने के में और कुछ नहीं है, ये डस्टर को ही हम बनाए थे। मान लीजिए इसको आप 100 लीजिए, ठीक है, इसको 30 लीजिए, इसको 50 लीजिए। अभी फ्रंट व्यू से आप देखने के समय में आपको क्या है, कितना है 30 और 100, टॉप व्यू ऊपर से देखिएगा तो ये 30 ये 50 मान के चलिए ऐसे ले लीजिए, आपका टॉप व्यू हो गया। साइड व्यू देखने के समय में और 100 और 50 आपका टॉप व्यू हो गया, यही आपका आंसर है। याद रखिए आप ये बनाने के समय, आपको आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के समय में सीधा आप आंसर बना सकता है, ठीक, मिसिंग व्यू बनाने के समय में आपको क्वेश्चन भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन बनाएगा तब भी आंसर बना सकता है, ये आंसर में आप जितना क्वेश्चन में नापी दिया हुआ है वही नापी लेके उसको ऐसे ही बनाना है, ठीक, समझ गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन मिसिंग व्यू, आप लोगों को मालूम है कैसे ये मिसिंग व्यू सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया है ये फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा, ठीक है, जरूर ये क्वेश्चन में जो व्यू है करके दिया रहेगा, मान लीजिए नहीं दिया रहेगा अभी,
ऊपर वाला फ्रंट व्यू है, नीचे वाला टॉप व्यू है, क्योंकि हम लोग सिलेबस में केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कभी भी फ्रंट व्यू ऊपर आएगा, टॉप व्यू नीचे आएगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे आएगा। इसको बनाने के लिए जो नोट्स हम पहले दिए थे उसको थोड़ा याद कर दीजिए अपना। अभी हम लोग केवल साइड व्यू चाहिए, उसके लिए फ्रंट व्यू का हाइट और साइड व्यू का हाइट दोनों में बराबर है, और ये क्या है, टॉप व्यू का हाइट और साइड व्यू का बेस ये दोनों में बराबर है। ये दोनों चीज़ हम लोग उधर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि ना हम लोग को साइड व्यू क्या है करके नहीं मालूम है। आपको दो चीज़ें बना सकता है, पहले भी हम बोले थे, पहले ये दोनों के रखे 3D व्यू आइसोमेट्रिक व्यू में ये कैसे होगा, ऐसे ही करके आप इमेजिन करके पहले 3D व्यू बना के भी बना सकता, नहीं तो ऐसे भी बना सकता है। ये ऐसे क्या करना है, फ्रंट व्यू हाइट और साइड व्यू का हाइट बराबर है। फ्रंट व्यू का हाइट हमको मालूम है, इसलिए फ्रंट व्यू का हाइट इधर से प्रोजेक्ट करना है। अब ये हो गया फ्रंट व्यू का हाइट, ये दोनों के बीच में जितना हाइट है वही फ्रंट व्यू का हाइट as well as side view का height also. Then next what you have to take, you know top view का height, the height of the top view is equal to base of the side view. इसको करने के लिए पहले क्या करता है, 45 degree का एक angle line बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इधर का सारा point, इधर जितना point है intersecting point वो सब इधर कर दीजिए। इधर एक पॉइंट है, इसको हल्का प्रोजेक्ट कर दीजिए, फिर नीचे इसको अभी ऊपर भी कर दीजिए। ठीक है, अभी हमारा साइड व्यू का बेस इतने ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पहले क्या करना है, आप इधर देखना है फ्रंट व्यू का हाइट, इधर से दोनों पॉइंट को पूरा बना लीजिए। उसके बाद टॉप व्यू का हाइट, उसका मतलब वो साइड व्यू का बेस होगा, उसको भी पूरा बना लीजिए। इधर से लेके नेक्स्ट ये पॉइंट, और एक पॉइंट इधर प्रोजेक्ट करना है, ये जो है छूट गया, यही पॉइंट को हल्का इधर प्रोजेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अभी इसका हाइट इधर प्रोजेक्ट कर दिया, इसका हाइट इधर प्रोजेक्ट कर दिया। उसके बाद इसका बीच में क्या है, हम लोग को इधर ऊपर से 20, ऊपर से 20 mm से एक ब्लॉक टाइप का है। वही चीज आप फ्रंट व्यू में देखिएगा तो इधर से इधर तक 20 से इधर 30 से। अब क्या करना है, यही लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट करके वो 30 लाइन तक ले जाना है। ठीक है, अभी इसमें से प्रोजेक्ट करने का कुछ पॉइंट नहीं है, इसलिए ज़रूर जो हम लोग प्रोजेक्ट किए थे वही आपका साइड व्यू होगा। ये टोटल हाइट और बेस हो गया, उसके बाद ये जो जितना 20 से जो प्रोजेक्शन लाइन जा रहा है वही लाइन इतना आपका 20 होगा, फिर हाइट उधर से मिला लीजिए 30 होगा इसको। इसके अलावा जो लाइन है उसको हल्का भी बना के रख सकता, नहीं तो मिटा भी सकता। यही हो गया आपका साइड व्यू है। साइड व्यू इसका हाइट टोटल कितना होगा, 45। ठीक, और इसका कितना होगा टोटल, 50। 50 में ये 20 होगा, ये 30 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसको और बढ़िया से आपको समझने के लिए इसको हम 3D व्यू बना के रखा हुआ है, आपको PPT में मतलब उसको दिखा देंगे, उसको देख लीजिए। ठीक है, अभी इसको बढ़िया से आप मतलब 3D में इधर देख सकता है, इधर क्या है आप मतलब जो पोर्शन आपको दिया हुआ है उसका 3D मॉडल है, मतलब इसका आप मतलब दो ब्लॉक है। हम लोग को क्या दिए थे क्वेश्चन में, वो येलो वाला पोर्शन जो है इसको पहले फ्रंट व्यू करके दिया था, फिर इसका टॉप व्यू जो है ये है,
इसको भी क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना है, वो पीला ब्लू वाला, ठीक है। अब ये ब्लू वाला ये है और हम लोग जो आंसर फाइंड किए थे वो दोनों में बराबर है नहीं है, ऐसे ही होता है, ठीक है। जो एक कोई एक व्यू नहीं देते रहेगा उसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। मान लीजिए ये एक ही क्वेश्चन में और आपको बता रहे हैं, मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है, आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया है, ठीक। आपको टॉप व्यू फाइंड करना है, वो कैसे होगा, ठीक। अभी आपको और नोट में और एक चीज याद करना है, हम लोग को फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस ये दोनों में बराबर है। उसके लिए क्या करना है, पहले फ्रंट व्यू का बेस को नीचे प्रोजेक्ट करना है, ठीक। फिर क्या करना है, जो साइड व्यू का बेस, साइड व्यू का बेस और टॉप व्यू का हाइट ये दोनों में बराबर है, इसलिए ये इसको क्या करना है, यही पॉइंट को इधर लेकर आना है, आपका जो भी डायग्राम है अभी ये बॉक्स का अंदर ही आएगा, ठीक है। इसको करने के लिए अभी पहले से देखिए, आपका साइड व्यू का हाइट और टॉप व्यू का हाइट दोनों में, सॉरी साइड व्यू का बेस और टॉप व्यू का हाइट बराबर है, उसको बना लीजिए, उसका मतलब ये आपको डार्क हो जाएगा। फिर फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस बराबर है, ये भी आपको डार्क हो जा। फिर ध्यान से देखिए, यही पॉइंट, यही जो ब्लॉक है वो इधर लगा हुआ है, फिर ऊपर से आपको 35 mm गैप में आ रहा है, इधर से आपको 25 में आ रहा है, ठीक है। इसलिए उसको लेके इसको डार्क करना है, फिर ऊपर का ये पॉइंट को सीधा प्रोजेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी जो आपको मेन है उसको रख दीजिए, जो नहीं है उसको मिटा दीजिए। ये मतलब ऐसे ही नहीं बना सकता है, थोड़ा आप इमेजिन करके ही बनाना है, ठीक। यही लाइन आपको नहीं आया क्योंकि ना इसका प्रोजेक्शन उधर है, ठीक। अभी ऊपर से जो 30 है उसका 30 इधर आएगा, आ गया है, फिर साइड व्यू का जो ये ब्लॉक है इधर है। अभी देखिएगा तो इसका नाप ही ये भी बराबर आपको रहेगा, इसका हाइट कितना है 45, उसका मतलब इधर भी 45 से आपको आएगा, ठीक है। सॉरी इधर 50 से, उसका मतलब इधर आपको 50 आएगा, ठीक। ये 65 है, इधर भी आपको 65 आएगा, ठीक। ये हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहा है, ये आपको मतलब पिछले बार मतलब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू ये दोनों में दिया है, इसको टॉप व्यू फाइंड करना है। ये टॉप व्यू फाइंड करने के लिए बहुत आसान है, आप क्या करना है, आपको मालूम है फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस दोनों में बराबर है, इसलिए उसको नीचे ले लीजिए। अब जब भी प्रोजेक्ट करने के लिए मैं एक चीज़ याद रखिए, जो भी कॉर्नर है वो सारा कॉर्नर को नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना जितना कॉर्नर है वही कॉर्नर में नेक्स्ट व्यू में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का एक व्यू रहेगा। इसलिए जब भी बनाने के समय कितना कॉर्नर है वही कॉर्नर को आप बना लीजिए। फिर इधर क्या करना है, आप 45 डिग्री का लाइन बना के इधर जितना कॉर्नर है
ठीक है, इधर जितना कॉर्नर है वही कॉर्नर को आप बना सकता है। ठीक, अभी आप ऊपर से जो कॉर्नर दिया हुआ है उसको प्रोजेक्ट कर दीजिए, वन टू थ्री फोर। अभी इतने ही आपका टॉप व्यू है। इसका डायमेंशन क्या है? साठ, पंद्रह और तीस। ठीक, समझ में आ गया। और एक चीज याद रख लीजिए, कभी भी आप टॉप व्यू देखने के समय में जो आपको फ्रंट व्यू दिया है उसका ऊपर से आप देख सकता है। ठीक, मान लीजिए अभी यही पोर्शन को हम ऊपर से देखने के समय में, ये जो पोर्शन है ये आपका 30 मिलीमीटर का है, ये 30 एक फ्लैट लेफ्ट टाइप का दिखाई देगा। उसके बाद एक स्लोप है, स्लोप का दूर की मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, 15 है। वो स्लोप भी आपको ऊपर से देखने के समय में ऐसे रेक्टेंगल टाइप का ही दिखाई देगा। ठीक है, वो स्लोप हो गया। उसके बाद ये 60 मिलीमीटर का गैप है, इसमें भी आपको रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन में आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देकर साइड व्यू बनाना है तो कैसे बना सकता? अब कुछ नहीं, आपको मालूम है इसको मतलब इसका हाइट, इसका हाइट बराबर है, इसका हाइट और इसका बेस बराबर है, उसको लेना है। फिर आप क्या कीजिएगा, इसका फ्रंट व्यू से देखिएगा। मान लीजिए फ्रंट व्यू को इस तरफ से देखने के समय में ये 40 का एक बॉक्स दिखाई देगा, फिर इसका ऊपर क्या है, टोटल 20, 40 और 20, ये 20 का बॉक्स दिखाई देगा, उसको बना लीजिए आराम से। ये इसको मतलब बना सकता है। इसको क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है, बहुत बहुत जरूरी है। इसको आंसर बनाने के समय में क्वेश्चन को भी साथ साथ नापी लेके बढ़िया से बनाना है। ठीक, अभी हम लोग इसका मतलब 3D मॉडल में हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी इधर 3D मॉडल इसको देखिएगा तो ठीक है। पहले आप लोग को फ्रंट व्यू, मान लीजिए फ्रंट व्यू ये जो येलो पोर्शन है यही आपका फ्रंट व्यू, इसको मतलब थोड़ा हम हल्का घुमा के ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, अभी अभी ऊपर से देखिएगा इसको टॉप व्यू, मान लीजिए यही क्वेश्चन को टॉप व्यू फाइंड करना है। अभी ऐसे ही देखिएगा तो आपको पता चल रहा है ये लाल वाला क्या है, टॉप व्यू करके। मान लीजिए इसको सीधा कर दीजिए। ठीक है, अभी देख लीजिए इसको, अभी हम टॉप व्यू निकलना है। इसको टॉप व्यू निकलना है, आपको मालूम है, आपको इसको ऊपर से देखिएगा तो ठीक, इसको ऊपर से देखिएगा तो ये फ्लैट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ऊपर से। ठीक है, फिर एक स्लोप दिया हुआ है। ठीक, ये स्लोप है, ये स्लोप सेकेंड वाला हो गया। फिर उसके बाद एक फ्लैट पोर्शन है। ठीक है, ये आपको तीसरा हो गया। अभी इसको रोटेट करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब ये जो लाल लाल है वही आपका टॉप व्यू है, फिर जो स्लोप है वो दूसरा कलर में है, फिर भी वो टॉप व्यू में आएगा। क्यों वो ग्रे कलर में दिया है अभी आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि ना वो आपको टॉप व्यू में भी दिखाई देगा, साइड व्यू में भी दिखाई देगा। ठीक ठीक, फिर अभी आपको बता रहा है साइड व्यू। मान लीजिए आपको फ्रंट व्यू दिया है। ठीक है, फ्रंट व्यू से कैसे आपको साइड व्यू निकल सकता है? ठीक है, अभी पहले जिस टाइप का पीला कलर केवल दिखाइए। ठीक है, अभी साइड व्यू इसमें से निकलना है। साइड व्यू में आप इधर से देखिएगा तो, इधर से देखिएगा तो साइड व्यू में आपको पहले स्ट्रेट, इधर से देखिएगा तो आपको क्या होगा, पहले यही पोर्शन है और एक ये स्लोप है, ये दोनों साइड से कुछ दिखाई देगा। मान लीजिए इधर से एक बॉक्स टाइप का दिखाई देगा, फिर इधर से बॉक्स टाइप का दिखाई देगा। अब इसको घुमा के देखिएगा तो, समझ रहा ना, इधर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इधर एक बॉक्स दिखाई। मान लीजिए आपको 3D व्यू नहीं रहेगा तब भी आप क्या करना है, ऐसे 3D व्यू को अब इमेजिन करके अपना जो व्यू नहीं दिया हुआ है उसको निकलना है।